हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद हमारा वीडियो आया है लॉन्ग में। तो ये हम शॉर्ट ड्रेस बनाएंगे। तो ये मेजरमेंट्स है, तो ये साड़ी का कपड़ा है और ये सैटिन का मैंने 3 मीटर का अस्तर लिया है। और जो मेन फैब्रिक है वो हमारा अप्रोक्स 5.5 मीटर जितना होगा। तो पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, तो इसके 4 लेयर्स है ये। तो हमारी स्लीव्स की हाइट है 22 इंचेस, तो उसमें हम 5 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि शोल्डर नहीं है इस ड्रेस पे, तो डायरेक्टली हमारा ये स्लीव्स अटैच होगा, तो इसकी वजह से हमने 5 इंचेस बढ़ाया है। तो हम स्लीव्स पप स्लीव्स करेंगे, तो उसका इमेज में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो यहाँ से लिया मैंने 7 इंचेस क्योंकि जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ हमें लेना है। तो ऊपर से 7 इंच और नीचे से मैंने 3 इंचेस डाउन किया है और इस तरह से हमें कर्व करना है। तो टोटल 2 इंचेस का हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन पकड़कर, और ऊपर से हमने 7 इंच लिया है तो उसको हम सिर्फ ऐसे कर्व करेंगे और इसलिए उसका शेप दे देंगे इस तरह से। तो नीचे से हमारी विड्थ है 6 इंचेस, तो उसका हमें डबल लेना है क्योंकि नीचे भी थोड़ा सा पफ आएगा। तो इस तरह से मैंने 12 इंचेस लिया है, तो मार्जिन भी उसमें चला जाएगा 1/2 इंचेस का। तो यहाँ से हमें दोनों साइड से हमें ज्वाइन करना है और उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो इसलिए उसका ट्यूटोरियल मैंने नहीं डाला है इस वीडियो में, तो आपको ड्रेस का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, मतलब मिनी ट्यूटोरियल में थोड़ा थोड़ा सा ही आपको बता रही हूँ ड्रेस मैंने कैसे रेडी किया है। तो इस तरह से हम कट करेंगे स्लीव्स को। तो आगे से हमें गैदर्स डालने हैं फ्रंट पार्ट में और कप्स भी लगाने हैं। तो फ्रंट के लिए हमारा डबल अस्तर लगेगा और बैक के लिए हम एक सिंगल अस्तर ही लगाएंगे। तो ए निकल कर आई है हमारे स्लीव्स, ओपन करके आपको देख सकते हैं इस तरह से। तो ऊपर से भी हमारा बहुत चौड़ा है और नीचे से भी बहुत चौड़ा है। जो चौड़ा भाग है उधर से हमें गैदर्स डालने हैं और थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, ये फ्रंट पार्ट में आएगा। तो फ्रंट पार्ट हमें थोड़ा सा डाउन करना है, उसको कट दे देना है ताकि सिलाते वक्त हमारा ध्यान उसी तरफ जाए, तो वो पार्ट फ्रंट में ही आना चाहिए। तो जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसकी जो अपर बॉडी है उसकी हाइट हमने 14 इंचेस लिए है और 1 इंच हमने बढ़ाया है मार्जिन के लिए। तो शोल्डर लिया मैंने 5 इंचेस 5.5 और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंचेस, और 2 इंचेस हमने जस्ट शोल्डर लिया है, मतलब ऐसे कंसिडर किया है, लेकिन हमारा शोल्डर के बिना ही हमें ये ड्रेस बनानी है। तो फ्रंट से हमें 5 इंचेस पर मैंने नेक लिया है फ्रंट का और बैक का दोनों का भी। तो इस तरह से हमें आगे से हम गैदर्स डालेंगे। तो शोल्डर हमने सिर्फ नाम के लिए रखा है क्योंकि बाद में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी स्लीव्स अटैच करते समय। तो ऊपर का जो है वो इस तरह से हम कट करेंगे। साइड से हमें जितना भी हमारा चेस्ट है अपर वाला, तो उसके हिसाब से आप उसका 4th पार्ट ले सकते हो। तो मेरे मेजरमेंट में 32 इंचेस की अपर चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट 8 इंचेस मैंने लिया है और 1/2 इंचेस मैंने थोड़ा सा लूजिंग रखा है, और 1.5 इंचेस या 2 इंचेस का आप मार्जिन रख सकते हो। तो कमर मैंने 7.5 इंचेस रखा है 4th पार्ट, और 2 इंचेस का अगर मैंने मार्जिन रखा है। तो जो जैसा हमें फ्रंट पार्ट चाहिए वैसे ही सेम हमें बैक पार्ट भी कट करना है। तो आप इसी के नीचे आप और एक लगा सकते हैं क्योंकि मुझे 2 चाहिए थे फ्रंट पार्ट के, तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ कट करे फ्रंट पार्ट के। तो बैक पार्ट हमें अलग से कट करना पड़ेगा। तो ऊपर का शोल्डर हम छोड़ते हुए हमें नीचे का कट करना है, और इसी को जस्ट एज इट इज़ रखे भी आप बैक पार्ट भी कर सकते हैं। तो फैब्रिक का हमें ख्याल रखना है, नहीं तो फैब्रिक थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है कई बार। तो नीचे से भी हमें ऐसे कट करके रखना है।
तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो दूसरे अस्तर के ऊपर हम जैसे हमने शोल्डर लिया था उतना ही शोल्डर रख के उतने बैक पार्ट का हमको कट करेंगे नीचे से। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया वैसे हम बैक पार्ट उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर रखकर हम कट करेंगे। तो ये कपड़ा सैटिन का है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो बहुत नेट में आता है, थोड़ा सा नेट का टाइप का है वो फैब्रिक, इसलिए मैंने सैटिन यूज किया है। तो आप क्रेप का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे कट करके हो चुके हैं। तो ये लाइनिंग का पार्ट है। तो लाइनिंग का हमने जैसे कट किया वैसे हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है। तो इस तरह से शेप आया है। तो ये मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट हम दोनों मैंने कट किया है। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, आप राउंड में भी ले सकते हैं, सर्कल में भी आप इसका कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फैब्रिक है वो बहुत ही नेट का था तो इसलिए मैंने गैदर्स करके मैं उसको लगाऊंगी, नहीं तो आप सर्कुलर में भी आप कट कर सकते हैं। तो ये मैंने डबल में फोल्ड किया है। तो लाइनिंग की हाइट हम 4 इंच से या 3 इंच से हम कम लेंगे देन मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक हमारा लोअर बॉडी है 24 इंचेस, तो मैंने करीब 21 इंचेस का लाइनिंग का फैब्रिक हाइट में लिया है। तो उसको बीच से हम कट करेंगे और दोनों बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों से हम गैदर्स करके उसको स्टिच करेंगे। तो गैदर्स करना बहुत ही आसान है, आप 5 नंबर की सिलाई लगाकर उसमें से धागा खींचकर जो गैदर्स आपको मिलेंगे उसी के ऊपर आपको स्टिच करना है। तो लाइनिंग का और मेन फैब्रिक का सेम इसी तरीके से हम गैदर्स करेंगे और एक साथ मेन फैब्रिक और जो आस्तर वाला पार्ट है ये उसको गैदर करके एक साथ हम जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 21 इंचेस का हाइट का लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो ये डबल फोल्ड है तो इसके बहुत गैदर्स आएंगे और जितने हमारे गैदर्स ज़्यादा आएंगे उतना ही अच्छा हमारा ड्रेस का घेर आ जाएगा। तो पहले हम फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको गैदर्स करने हैं धागा खींच के। तो इसको हम साइड में रखते हैं और फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट हम पहले रेडी करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है वो हमें एग्जैक्ट 24 इंचेस का ही लेना है, उसमें हमें नहीं बढ़ाना है। तो एग्जैक्ट 24 इंचेस का मेन फैब्रिक हम कट करेंगे लोअर बॉडी के लिए, बैक का और फ्रंट का। तो आप ये ड्रेस ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी बना सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मेन फैब्रिक हमारा कट करके हो गया है और ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अस्तर के साथ मैंने मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है दोनों का, फ्रंट पार्ट का एंड बैक पार्ट का। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने डबल अस्तर डाला है और उसके अंदर मैंने कप्स भी टक किए हैं। तो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट के साथ मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है जो गैदर्स वाला पार्ट हमारा था अस्तर के साथ मेन फैब्रिक का। तो दोनों को मैंने ऐसे अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने स्लीव्स का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसलिए मैंने स्लीव्स का नहीं डाला है। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद और साइड फिटिंग करने के बाद हमारा ड्रेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं इस तरह की, नहीं लगाए तो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। और अगर आपका नेट का फैब्रिक है तो आप नीचे से
पिको भी कर सकते हैं, और नहीं किया तो भी अच्छा दिखेगा। तो मैंने इलास्टिक डाला है शोल्डर के ऊपर। इस ड्रेस में कहीं भी शोल्डर नहीं लगाए है, डायरेक्टली स्लीव्स अटैच किया है। तो स्लीव्स का तो मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड, इसलिए मैंने ऐसे ही उसको स्किप करके डाला है। तो ये पूरा ड्रेस है, तो इसको हम ट्रायल भी करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए